Thank you. असलम गाइस क्या हाल चाल है आई होप्स so, आप सब ठीक होंगे जहाँ होंगे मजे में होंगे मैं हूँ एडी मास्टर की आपके साथ तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और न्यू इवेंट तो आज का इवेंट बहुत स्पेशल होने वाला है तो वीडियो को बिल्कुल भी, भी स्किप नहीं करना तो एंड तक में देखना वरना आपको इवेंट की समझ नहीं आएगी और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना नहीं बोलना और दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कर देना जिन दोस्तों को इस इवेंट के बारे में ना पता हो तो आ, पहली बात है कि आ, इस इवेंट की वीडियो मैं पहले आ, कल डालने वाला था लेकिन नहीं एक मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी लोगों को मैसेज आए तो इस वजह से मैं आज ही बना रहा हूँ ये वीडियो तो बिना टाइम वेस्ट किया हम लोग इवेंट की तरफ चलते हैं जो जिस इवेंट के बारे में ये वीडियो है तो यहाँ देख सकते हो जहाँ द पेंथम ऑफ एरेंगल का ये इवेंट है जो आज ही आया है तो इसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रही इस इवेंट की तो मैंने कहा चलो उन इस इसी इवेंट पे मैं एक डिटेल वीडियो वगैरह बना देता हूँ जैसे कि यहाँ रूल्स वगैरह देख सकते हो तो ये रूल्स वगैरह मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँगा वीडियो में बाकी अगर कुछ समझ में ना आए तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकता है ठीक है तो ये रू, रूल्स वगैरह आप अगर रीड कर सकते हो तो यहाँ से भी रीड कर सकते हो तो बाकी यहाँ देख सकते हो जैसे पहले यहाँ डेली मिशन वगैरह हैं ठीक है तो ये बीस तीन एनिमी स्किल करने हैं छः एनिमी स्किल करने हैं ठीक है थीके? तो ये टोटल ट्वेंटी एनिमीज हैं ठीक है थीके? दस एनिमी होंगे फिर बीस एनिमी होंगे ये जरूरी नहीं कि आप एक ही गेम में ये सब करोगे नहीं आप भले दस गेमें लगाओ आपको बस बीस किल पूरे करने हैं भले आप हर गेम में एक किल ही क्यों ना करो ठीक है तो आपको ये दस किल कर बीस किल करने हैं सॉरी ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना तो बाकी ये देख सकते हो सोल शार्ट जो है ये सॉल जो है ये आपको जमा करने हैं इसी से आप जो है रिवॉर्ड वगैरह कलेक्ट कर सकते हो ठीक है जैसे कि मैंने सारे मिशन वगैरह कर लिए तो अब मेरे पास देखो एक कार्ड है ठीक है नीचे कलेक्ट वन लिखा होगा वो एक कार्ड है मेरे पास उससे मैं एक, एक एक्स्ट्रा मिशन अनलॉक कर सकता हूँ ठीक है बाकी ये जो सॉल है मेरे पास एट है तो ये देख सकते हो मैंने कार्ड से रूट ऑलरेडी जो है लिखा हुआ है तो मैंने इसे अनलॉक किया तो मेरे पास अगेन मिशन आ गए ठीक है ये सर्वाइव वाले जो अगेन जो मतलब सर्वाइव हुआ हुआ है मैंने जितना सर्वाइव किया वो ऑलरेडी मेरा कलेक्ट हो गया ठीक है जो मतलब देख सकते हो साठ सर्वाइव तक मेरा है और वन ट्वेंटी सर्वाइव है तो मतलब वो मुझे करना है और फोर्टी टू फोर्टी सर्वाइव है वो मुझे करना है तो वो मिशन हो जाएंगे मतलब इसमें ये फ़ायदा है कि आप ये मिशन करोगे फिर आपको वो कार्ड उनसे एक कार्ड मिलेगा तो उस कार्ड से आप uh, नेक्स्ट मिशन अनलॉक कर लोगे ठीक है ये डेली मिशन है आपके तो इससे आप ज़्यादा कर सकते हो ज़्यादा कर सकते हो ठीक है तो ये चीज़ का एक चीज़ का और ध्यान रखना तो ये तो हो गया डेली मिशन ठीक है इसमें एक मिशन और दिया हुआ है बंटी राउटर के नाम से ठीक है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ साथ, साथ ये देख सकते हो जैसे कंप्लीट वन वन मैच विद फ्रेंड ठीक है और एक शेयर करना है मतलब इवेंट को शेयर करना है ऐसे शेयर शेयर ना भी करो तो बस शेयर पे जाके बैक आ जाओ तो वो शेयर हो जाती है ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना तो और आगे मिशन है रिच टॉप टेन मतलब टॉप टेन करना है ठीक है इससे आपको कार्ड मिलेंगे ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखना जो बंटी रॉबर वाले मिशन है जब आप इवेंट के अंदर इंटर हो जाओगे तो ये जो बंटी राउटर वाले मिशन है तो ये आपको एक घंटे के अंदर अंदर करना होगा वरना आपका ये मिशन वेस्ट हो जाएंगे इस चीज़ का ध्यान लाजमी रखना ठीक है मतलब आप इवेंट के अंदर डेली आप कलेक्ट करोगे ना तो पहले इवेंट के अंदर एंटर होने से पहले आपको कलेक्ट का ऑप्शन आएगा जब आप उसको कलेक्ट करोगे तो ये मिशन एक्टिव हो जाएंगे ठीक है तो बंटी राउटर वाले एक घंटे के मतलब जो मिशन है वो आपको एक घंटे के अंदर अंदर करने होंगे ठीक है बाकी यहाँ से आप यूसी से सॉल वग़ैरह रिडीम कर सकते हो ठीक है अगर आपको रिडीम करने तो अगर आपको ड्रेस लेने की जल्दी है तो आप यहाँ से यूसी से कलेक्ट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे मैं एक कलेक्ट करता हूँ ठीक है मेरे पास आ, जो है देखते हैं फिर मैं आपको आगे भी बताऊँगा तो बाकी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आइकन को दबाना तो मत भूलना ताकि आने वाली न्यू अपडेट आपको मिल सके ठीक है और दोस्तों तक लाजमी शेयर कर देना जिन 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 दोस्तों को इस इवेंट के बारे में नहीं पता ठीक है तो जैसे कि मैंने अभी ये देखो यहाँ पे ये रिवॉर्ड्स वगैरह हैं ठीक है मेन जो यहाँ पे पर जो ये ड्रेस है ये भी परमानेंट आपको मिलने वाला है ठीक है कोई टाइम लिमिटेड नहीं है तो ये ड्रेस आपको परमानेंट मिलने वाला है लेकिन उससे पहले आपको सोल जमा करनी पड़ेंगी ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना और दूसरी बात यह है कि आप डायरेक्ट ये सोल एक साथ जमा करके ड्रेस नहीं ले सकते तो ये जो जितने रिवॉर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं ठीक है यहाँ पे अगर आप कलेक्ट ये जो कलेक्ट लिखा भी हुआ है देखो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना तो नहीं हो रहे ये नहीं होंगे तो वो कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ तो आपके पास जो सॉल्स हैं ठीक है सबसे पहला रिवॉर्ड यहाँ पे कौन सा है सॉरी मुझे थोड़ा सा तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ ये यह एजी करेंसी है तो यहाँ पे जो सबसे पहला रिवॉर्ड है वो है ए करेंसी का ठीक है तो ए जी से आप कलेक्ट करोगे वो पाँच सोल से ए कलेक्ट हो जाएगा तो इसमें एक फ़ायदा है कि आप पहला रिवॉर्ड अगर बाय करते हो तो दूसरे दो रिवॉर्ड आपको फ्री में मिल जाएंगे जिन जिन पे फ्री लिखा हुआ है ठीक है <coughs> तो ये देख सकते हो बी पी मुझे फ्री में मिल गया और एक को ये पबजी बेच फ्री में मिल गया बाकी आगे जो फोर्थ रिवॉर्ड है ठीक है जो जिसपे एम सिक्सटीन की स्किन दी हुई है वो भी टाइम लिमिटेड है कोई परमानेंट नहीं है ठीक है तो इस पर मैं कलेक्ट कर रहा हूँ नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि ये नो सॉल्वस जब तक मेरे पास नहीं होंगे तब तक मैं ये कलेक्ट नहीं कर सकता ठीक है तो इसमें ये चीज़ दी हुई है कि आप एक रिवॉर्ड बाय करते हो तो आप देख सकते हो मेरे पास मैंने एक चीज़ कलेक्ट किया अब जब तक मेरे पास नो सोल्स नहीं होंगे यहाँ पे शो नहीं होंगे ठीक है अभी इसका इतना तो नहीं पता कि ये नॉन लिखा हुआ है कि ये सारी वेस्ट हो गई हैं या फिर आ, जब मेरे पास और सोल्स हो जाएंगे बाकी मिशन में कर लूँगा जब मेरे पास सोल्स हो जाएंगे तो शायद उसमें शो हो जाए ठीक है क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल वीडियो बनाई थी तो बाकी कोई बात नहीं आप सोल्स वगैरह जमा करके आई एम सिक्सटीन कलेक्ट करोगे ठीक है नो no, सोल्स जब आपके पास हो जाएंगे आप एम सिक्सटीन करोगे तो आ, आगे जो जिन जिन पे रिवार्ड्स पे आपको फ्री में लिखा हुआ नजर आ रहा है तो वो आपको फ्री में मिल जाएंगे मतलब एक एक रिवॉर्ड आपको बाय करना पड़ेगा एक फ्री में मिलेगा तो ऐसे आप ने लास्ट में जाके ड्रेस बाय कर सकते हो बाकी ये डेली मिशन आप जो है सारे कलेक्ट करके आप उससे कार्ड ले के तो कार्ड से मिशन बार बार अनलॉक कर सकते हो ठीक है अब ये नहीं पता कि कितने ज़्यादा मिशन आप अनलॉक कर सकते हो बहरहाल आप तीन तीन तक तो मैंने मतलब दो आपको मैंने दिखा दिए तीसरा भी मैं अनलॉक कर सकता हूँ तो तीन मिशन तो यहाँ पे कंफर्म है ठीक है बाकी जब तक आपके पास सोल्स नहीं होगे आप ये कलेक्ट नहीं कर पाओगे मैं बार बार इस पर क्लिक कलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि आप नहीं कर सकते जब तक आप नौ no सोल्स और नहीं करोगे कि नौ no सोल्स और करके मतलब आप एम सिक्सटीन की स्किन बाय करोगे आगे जो फ्री वाले हैं वो आप दो फ्री बाय फ्री में कलेक्ट कर लोगे ठीक है तो फिर नेक्स्ट ये जो क्लासिक कोपन है ठीक है ये फिर आगे सोल से बाय होगा सोल से बाय करके आप कलेक्ट कर सकते हो ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखना बाकी जैसे जैसे मैंने बताया मिशन वैसे ही करने हैं ठीक है तो बनी हंटर वाला जो मिशन है वो आपको मैंने बताया कि इंटर होते ही आपको मिशन करने है ठीक है उस चीज़ का ध्यान रखना वो एक घंटे के अंदर अंदर करने वरना आपके मिशन वेस्ट हो जाएंगे बाकी अगर किसी को यूसी से परचेज़ करना है अगर उसको जल्दी है उसने मिशन नहीं करना तो वो ये यह यहाँ से यूसी से परचेज़ कर सकता है ड्रेस को ठीक है मतलब यूसी से सोल्स परचेस करें परचेज़ करके वो मिशन जो रिवॉर्ड्स वगैरह अनलॉक करते करते कर ले, लेकिन उस पर आपको कम से कम सिर्फ ड्रेस बाय करने पे आपको एक हज़ार यूसी लगेगी तो मैं तो कहता हूँ आप वो सब मत करो बहुत टाइम वेस्ट वो बहुत फजूल यूसी वेस्ट होगी इससे अच्छा है कि आप डेली के मिशन करो मिशन बहुत मतलब इजी भी हैं और इतने कोई मुश्किल नहीं है कि बंदा वो मिशन ना कर सके तो मिशन आप कर सकते हो डेली के डेली ठीक है तो डेली आप उस मिशन कर सकते हो कोई एक्सक्यूज़ वगैरह नहीं है उसमें तो अब मैं आपको रिवॉर्ड दिखाता हूँ जो मैंने मतलब मैंने यहाँ से कलेक्ट किए थे वो रिवॉर्ड भी होंगे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये यह रिवॉर्ड है कोपन वगैरह तो ये सारे रिवॉर्ड मतलब वहीं से मैंने जो किए थे उसी से मुझे मिले थे कलेक्ट करने पे स्टार्ट करने पे और इसमें बड़ी बात एक और फ्रेम है जब आप लॉगिन करोगे स्टार्ट में ही आपको एक परमानेंट फ्रेम भी मिल जाएगी जी शॉर्ट गन से टाइम लिमिटेड ये भी मुझे उसी इवेंट से मिली तो ये फ्रेम मैं बता रहा था ये फ्रेम परमानेंट है और ये भी उसी के अंदर से आपको मिलेगी ठीक है तो बाकी ये सारे रिवॉर्ड्स उसी इवेंट से आए हैं ठीक है आई होप सो आपको वीडियो की समझ आ गई होगी अगर किसी को नहीं भी आई वो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है कोई सवाल है मुझसे पूछ सकता है कोई कोई बात नहीं सबको रिप्लाई भी मिलेगा और सबको मैं इंशाल्लाह अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा तो अब मुझे दीजिए इजाज़त जाते जाते, जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाजमी दोस्तों तक शेयर कर देना फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़